दोस्तों, नेकलेसिंग सजा देने का एक ऐसा तरीका है जिसमें इंसान 20 मिनट तक जलता रहता है और उसके बाद तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। जब इस सजा को दिया जाता है, सबसे पहले एक रबर का टायर पीड़ित की छाती तक उसके हाथों में फंसाया जाता है और इसके बाद इसमें पेट्रोल भरकर आग लगा दी जाती है। ये सजा इतनी भयानक है, ये किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर सकती है। और आज की वीडियो में हम इतिहास में दी जाने वाली 5 ऐसी दर्दनाक सजाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें देखने के बाद आप दंग रह जाओगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 5, ब्रोंज बुल। आपने कहीं ना कहीं ब्रोंज बुल के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल ये कांसा धातु से बना एक बैल होता था जिसे अपराधियों को सजा देने के लिए बनवाया गया था। इस खौफनाक बैल को 570 BC से लेकर 554 BC में बनवाया गया था और इसे बनवाने वाले का नाम फ्लारिस था। ये शख्स अक्रागास का तानाशाह था। इस समय उस जगह को एग्रीजेंटो कहा जाता है। लेकिन इस बैल में सजा कैसे दी जाती होगी, आइए जानते हैं। दरअसल ये बैल बीस से पूरी तरह खोखला होता था और इसके अंदर अपराधी को डालकर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अपराधी जितना भी चीखता चिल्लाता था, उसकी आवाज एक बेहतरीन साउंड बनकर बाहर आती थी। दरअसल इस बैल के अंदर पाइप इस तरह से इंस्टॉल किए गए थे ताकि जो शख्स अंदर चिल्ला रहा हो कि उसकी आवाज से किसी को डर ना लगे और उसे सुनने में आनंद आए। लेकिन जो शख्स अंदर जल रहा होता था, जब उसकी खाल जलने का धुआं इस बैल की नाक से निकलता था तो उस धुएं में बेहद ज्यादा बदबू होती थी। पर जब तक अपराधी तड़प तड़प कर मर नहीं जाता था, उसे बाहर नहीं निकाला जाता था और ये सजा बड़ी ही खौफनाक होती थी। नंबर 4, थंब स्क्रू। थंब स्क्रू टॉर्चर करने का एक इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र होता था जिसका इस्तेमाल प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में किया जाता था। इस यंत्र का उपयोग अपराधी से उसका गुनाह कबूल करवाने में किया जाता था। दरअसल इस यंत्र के बीच में एक स्क्रू लगा होता था और दो लोहे के सीधे पाइप होते थे जिसमें लोहे की एक चौड़ी सी चपटी रोड होती थी जिसके बीच में गुनाहगार के अंगूठों को फंसाकर स्क्रू को धीरे धीरे टाइट किया जाता था। और स्क्रू को जब तक टाइट किया जाता था, या तो गुनाहगार अपना गुनाह कबूल करता था या फिर उसकी उंगलियां फट जाया करती थी। 1833 में हिस्टोरियन जेम्स कोकरेन और जॉन मैक्रेन लिखते हैं, 1596 में एलिसन बेलफोर के बेटे और उसकी बेटी को ये सजा दी गई थी। लेकिन ये डिवाइस केवल अंगूठों के लिए नहीं होती थी, बल्कि कई बार इसे मुजरिम की पूरी उंगलियों पर भी लगाया जाता था और कुछ केस में इसे मुजरिम के पैरों पर भी लगाया जाता था। जब मुजरिम को ज्यादा ही तकलीफ देनी होती थी तो इन्हें नुकीला बनाया जाता था। अब खुद सोचिए ये कितना तकलीफ दे होता होगा।